मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात 8 बजे प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि देश के हमारे वैश्विक नेता दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संघर्ष में हमें नई राह बताई, देश का कुशल नेतृत्व किया जिसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक विजय पाली है। हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम और जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं, लेकिन अभी निरंतर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा, तभी हम देश और प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे। चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद 5वां चरण अनलॉक 1 चरण होगा। इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे, साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद 5वां चरण अनलॉक 1 चरण होगा। इसके बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, उसका कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये लॉकडाउन का अगला चरण कैसा होगा उसका विवरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। इसमें चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी है और इसलिए कोई गांव होगा तो गांव का भी मोहल्ला ये कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर हम 30 जून कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया बंद रहेगा। भावी अत्यावश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, इसके अलावा पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा, लेकिन रात में पूरे मध्य प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर दिनांक 8 जून 2020 से निम्नलिखित गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हमारे धार्मिक स्थल, किसी भी उपासना पद्धति के हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, अलग अलग उपासना स्थल, पूजा स्थल खोले जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट, अन्य आतिथ्य सेवाएं ये भी प्रारंभ कर दी जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स भी, सभी संस्थाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय, सभी लोगों से स्कूल कॉलेज में पालक भी सम्मिलित रहेंगे, उनसे परामर्श के बाद जुलाई माह में इनको खोलने का फैसला किया जाएगा। जून में पूरी तरह से बंद रहेंगे, जुलाई में परिस्थिति का विचार करके फैसला लेंगे, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। इस दौरान सभी क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। इनको प्रारंभ करने की तिथि के बारे में
निर्णय बाद में किया जाएगा। सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम, सभाकक्ष, मैरिज गार्डन इत्यादि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आने जाने वालों के लिए जो वाहन से आते जाते हैं अब किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी, बिना पास के वो आ जा सकेंगे। हम पास चेकिंग की व्यवस्था कल से पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में अंतरराज्यीय बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली, उनका संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून को इस पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें केवल इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। स्टैंड एलोन दुकानें व मोहल्लों की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। लेकिन जावद जैसा शहर जहां अभी बीच में पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आए उसको हमने पूरी तरह से बंद किया है, वहां दुकान नहीं खुलेंगी। सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उन्हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों में और कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग अलग हो। सार्वजनिक स्थानों पर मैं फिर कहना चाहता हूं, कोविड का संकट अभी टला नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आगाह किया है